बचपन से ही हम में से अधिकांश लोग सबसे ज्यादा किसी से डरे हैं, तो वह एक ही नाम है, भूत। हम बचपन से अब तक ढेर सारी भूतों और चुड़ैलों की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। भूत आत्मा, शैतान, जिन, चुड़ैल, पिशाच और न जाने क्या क्या और है। और आप भूतिया स्थानों को भी जानते होंगे। मैं भूत या ऐसी किसी अदृश्य शक्ति होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन भारत में कुछ ऐसी बेहद डरावनी और हॉन्टेड जगह भी है, जहां के लोकल लोगों और मीडिया का भी दावा है कि वो रहस्यमय जगह हॉन्टेड यानी भूत बाधित है, और वहां जाना अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे भारत के सबसे ज्यादा भूत बाधित रहस्यमय जगहों के बारे में। नंबर एक की जगह पर तो खुद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने खतरे का बोर्ड भी लगाया है और लोगों को उस जगह से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। आज का यह वीडियो सस्पेंस, रोमांच और डर से भरपूर होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। वार्निंग यह है कि कमजोर दिल वाले जो भूतों से डरते हैं वो वीडियो ना देखे, और देखे तो अपनी रिस्क पर देखे। वार्निंग नंबर टू, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पर भी भूत बाधा हो सकती है, तो इतना खतरनाक रिस्क ना ले, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर ले। आज की इस वीडियो में नंबर पाँच पर है एक छोटा सा हिल स्टेशन और ट्राइबल विलेज जटिंगा। 2500 की आबादी वाला यह छोटा सा गांव आसाम का एकमात्र हिल स्टेशन है। इस छोटे से गांव में दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक है, जिसका नाम है बार बार होने वाली रहस्यमयी सामूहिक पक्षी आत्महत्याएं, मिस्टीरियस बर्ड्स सुइसाइड। सही सुना है आपने, बर्ड्स भी सुइसाइड करते हैं। सदियों से लोकल और प्रवासी पक्षी सितंबर और अक्टूबर की चांदनी रातों में अमावस के दिन केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में बड़ी संख्या में जमीन पर गिरते हैं, और मॉर्निंग में बर्ड्स की सैकड़ों लाशें जमीन पर गिरी मिलती है। इसने वैज्ञानिकों को और ऑर्निथोलॉजिस्ट्स को भी चकित कर दिया है, जो इस तरह के पैटर्न में आकाश से पक्षियों के मरने का कोई उचित रीजन नहीं खोज पा रहे हैं, और कम से कम यह बताना बेहद कठिन है कि बर्ड्स ऐसा क्यों करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा बुरी आत्माओं के कारण होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब किसी दैवीय श्राप से या किसी पारलौकिक शक्ति जैसे भूतों के द्वारा किया जाता है, लेकिन बर्ड्स सुइसाइड का यह सिलसिला अब भी जारी है। इस घटना पर बुक्स भी प्रकाशित हुई है और डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। यही रीजन है कि यह छोटे से गांव को भारत में सबसे हॉन्टेड स्थानों में से एक बना रही है। आज की इस वीडियो में नंबर फोर पर है एक और खौफनाक और डरावनी जगह, डुमास ब्लैक सैंड बीच। सूरत से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक खूबसूरत समुद्र तट है। पर्यटक यहाँ की काली रेत वाले बीच पर सनसेट का आनंद लेते हैं, लेकिन यह मनोहारी तट रात को किसी खौफनाक डरावने वीराने में बदल जाता है। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ रात में किसी के रोने की और पुकारने की बेहद डरावनी आवाजें आती है। ये आवाजें लोगों को तट की ओर बुलाती है। कई लोगों का मानना है कि ये बेचैन आत्माएं विजिटर्स को आधी रात को टहलने और समुद्र की ओर चलने के लिए बुलाती हैं। ऐसी खबरें आई हैं कि जो लोग मरे हुओं की आवाज नहीं सुनते वे पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यह समुद्री तट कभी हिंदू कब्रिस्तान हुआ करता था और तब से कई सारी असंतुष्ट और दृष्ट आत्माओं का यहाँ बसेरा हो गया, और मान्यता यह भी है कि लोग यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया करते थे, इसीलिए यहाँ की रेत भी काली हो गई। कई निडर लोगों ने इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहा और परीक्षण करने की कोशिश की, और परीक्षण करने के लिए यहाँ रात भर रहे,
इनमें से अधिकांश कभी वापस नहीं आए, और जो वापस आ भी पाया तो अपनी लाइफ के संभवतः सबसे खौफनाक और डरावने पारावलौकिक अनुभवों के साथ। क्या सच में डुमास बीच पर शैतानों और भूतों का बसेरा है या यह सिर्फ अफवाह है, पता नहीं। लेकिन यह समुद्र तट निश्चित रूप से कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आज की इस वीडियो में नंबर 3 पर है एक और बेहद खूबसूरत लेकिन खौफनाक हिल स्टेशन कुर्सेओंग। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर कुर्सेओंग का डाउ हिल है, जो भारत में प्रेत बाधित या हॉन्टेड स्थानों का बॉस है। यह एक ऐसी जगह है जहां दिन हो या रात पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं लेती। अक्सर ब्यूटी एंड द बीस्ट की तुलना में कुर्सेओंग की सुंदरता में भूतों की भी पर्याप्त कहानियां हैं। डाउ हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच स्थित सड़क को डेथ रोड कहा जाता है, और जैसा इसका नाम है, डेथ रोड भूतों का हॉटस्पॉट है। इस सड़क की दोनों तरफ जंगल है, अक्सर ये सड़क वीरान ही रहती है। कई लोकल लोगों और पर्यटकों ने एक युवा लड़के के बिना सिर वाले भूत को जंगल में चलते और गायब होते देखा है, और कई बार लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि एक अदृश्य शरीर द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है, अदृश्य लाश द्वारा देखा जा रहा है। जहां कुछ लोगों ने बेहद डरावनी लाल आंखों के एक जोड़े को जंगल से घूरते हुए देखा है, वहीं अन्य लोगों ने भूरे रंग की एक महिला का भूत देखा है। इसके अलावा यहाँ का विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल और डाउ हिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को भी कई सारी असंतुष्ट आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है। सर्दियों की छुट्टियों में अक्सर रात को यहाँ से चलने की आहट, किसी के होने की आहट सुनी जा सकती है। इसके अलावा बहुत मार्मिक रोने की आवाजें, डरावनी चीत्कार या किसी की सुगबुगाहट को लोगों ने गूंजते हुए सुना है। इसके साथ ही लगे जंगलों से अनगिनत मर्डर हुई और सुइसाइड की लाशें मिली हैं, और यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इतनी तीव्र होती हैं कि अधिकांश विजिटर्स अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या खुद को मार लेते हैं। इसीलिए यहाँ के जंगलों में घूमने की मनाही यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस और लोकल लोगों द्वारा की जाती है। हालांकि साइंटिफिकली भूतों और आत्माओं के होने का कोई सबूत नहीं है, और ना ही मैं भूतों और आत्माओं को सच मानता हूँ, लेकिन जो भी हो, डाउ हिल में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। क्या आप जाना चाहोगे कुर्सेओंग हिल स्टेशन के डाउ हिल पर, कमेंट में जरूर लिखना। आगे हम आए हैं नंबर 2 पर, एक ऐसे गाँव में जो सदियों से वीरान है। उस गाँव का नाम है कुलधरा। राजस्थान के जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा एक शापित गांव है। लोग इसे घोस्ट विलेज भी कहते हैं। सदियों से यह गांव बंजर रेगिस्तान में वीरान खंडहरों के रूप में अभी भी बना हुआ है, और भारत के फेमस भूतहा जगहों में इस गांव की गिनती होती है। इसके वीरान होने की भी कहानी लोकल लोगों में बहुत प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहां पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे। कहा जाता है यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव हुआ करता था, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री भी थी। यह बात कुलधरा गाँव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुँची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वह उस सुंदर कन्या पर रूप मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी थी कि उसकी बात अगर नहीं मानी गई तो इसका बहुत बुरा परिणाम गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि गांव वालों पर धमकी का कुछ खास असर नहीं होता देख सलीम सिंह ने उन पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था।
इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरे गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि गांव वाले जाते जाते यह श्राप भी देकर गए थे कि यहां फिर कोई नहीं बस पाएगा, इसलिए वर्तमान में यह राजस्थान के जैसलमेर का गांव एक शापित गांव कहलाता है। अब तक गांव बंजर बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रात में वहां रहने की कोशिश की है उन्हें अजीबोगरीब घटनाओं ने खदेड़ दिया है, लेकिन यह अभी एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और देश विदेश से बड़ी संख्या में विजिटर्स यहां आते हैं। भारत में ऐसी कई सारी पुरानी विरासतें मौजूद है जिसके साथ लोगों ने या तो किसी दैवीय चमत्कारों को या फिर डरावनी पारावलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया है। ऐसी ही एक और जगह है जिसे सिर्फ मैं ही नहीं, सारी मीडिया और यहाँ तक कि सरकार भी इस जगह को नंबर वन का भूथा या हॉन्टेड जगह होने का दर्जा देती है, और इस जगह का नाम है भानगढ़ का फोर्ट। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है और भानगढ़ के रहस्य को बढ़ाने में मदद करने वाली कहानियों की कोई कमी नहीं है। सूर्यास्त के बाद किले में जाना किसी बहादुरी के कार्य से कम नहीं है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का केंद्र माना जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने लोगों को सूर्यास्त के बाद रात में भानगढ़ किले में जाने पर रोक लगा दी है, और इस तरह का एक बोर्ड भी किले के बाहर की बाउंड्री पर लगा दिया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने किले से महिलाओं के चिल्लाने और रोने, चूड़ियों के टूटने और अजीबोगरीब संगीत की आवाजें सुनी हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भानगढ़ किले से भूतिया परछाइयों और अकथनीय रोशनी के साथ एक विशेष इत्र निकल रहा था। कुछ लोगों ने एक अदृश्य सत्ता द्वारा पीछा किए जाने और यहाँ तक कि थप्पड़ मारे जाने की अजीब अनुभूति महसूस की है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है तो वह कभी भी इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए शाम के बाद दरवाजे हमेशा बंद कर दिए जाते हैं और रात में भानगढ़ किले में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। भानगढ़ की कई कहानियों में से, जिनमें स्थानीय लोग शामिल होना पसंद करते हैं, सबसे लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की कहानी है जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था, जो एक तपस्वी थे जो वहां ध्यान करते थे। संत ने इस शर्त पर अपनी स्वीकृति दी कि बादशाह के महल की छाया उसकी कुटिया पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। एक बार निर्माण पूरा हो जाने के बाद दुर्भाग्य से गुरु बालूनाथ की कुटिया पर महल की छाया पड़ रही थी। संत बालूनाथ ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि शहर खंडहर में तब्दील हो जाएगा। भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे कभी भी दोबारा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। दूसरी कहानी भी काफी दिलचस्प है और किले की एक राजकुमारी रत्नावती से संबंधित है। माना जाता है कि राजकुमारी की सुंदरता अतुलनीय थी और उनके सौंदर्य से कोई भी आकर्षित हो जाता था। उसके सौंदर्य की चर्चा राज्य की सीमाओं को भी पार कर गई। जब वह 18 साल की हुई तो कई राज्यों के लोगों ने शादी के लिए उसका हाथ मांगा। इन सभी में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो इस तथ्य से अवगत था कि राजकुमारी से उसका कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी वो तांत्रिक शक्तियों के बल पर उसे हासिल करना चाहता था। उसने अपने पास मौजूद जादुई शक्तियों से उसे लुभाने का फैसला किया। वह भाग्यशाली था कि उसने बाजार में राजकुमारी रत्नावती की दासी को देखा और काले जादू से ग्रसित एक खास इत्र को दासी के द्वारा राजकुमारी तक पहुंचाया। उसे उम्मीद थी कि इत्र को छूने पर राजकुमारी खुद को उनके सामने समर्पण कर देगी,
हालांकि उनका प्रयास व्यर्थ था क्योंकि रत्नावती को उसकी चाल का पता लग चुका था। इसलिए उसने इत्र की शीशी को जमीन पर डाल दिया जो फिर एक चट्टान में बदल गया और वह चट्टान जादूगर की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने भानगढ़ शहर को मौत का श्राप दिया और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ कभी कोई जन्म नहीं ले पाया। इसके अलावा अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच की लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उसके अभिशाप को और अधिक बल मिला और धीरे धीरे यह आबाद किला एक खंडहर में तब्दील हो गया। बस भाई बस, अब बहुत हो गया, मैं तो थक गया इन भूतिया कहानियों से। आपने भी पूरा वीडियो देखा तो जरा इसकी कीमत भी चुकाते हुए जाओ। थोड़ा नीचे में जो लाइक का बटन है उसे दबा दो यार, और लाइक का बटन दबा ही रहे हो तो बगल में ही सब्सक्राइब का भी बटन है उसको भी दबा ही दो, और बेल आइकॉन को हिट करके ऑल का ऑप्शन चुनना मत भूलना, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पीछे कोई भूत प्रेत या कोई बुरा श्राप लग जाए। कभी अगर ऐसा हुआ तो ये वीडियो दोबारा देखना, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।